गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट EL 207 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने माइक्रोप्रोसेसर की परिभाषा और उसके संबंध में विभिन्न बातें पढ़ी, माइक्रोप्रोसेसर की एप्लीकेशंस पढ़ी अपन ने और उसके क्या बेनिफिट हैं माइक्रोप्रोसेसर को लगाने के, वो बेनिफिट अपन ने सारे पढ़े। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, सेकंड टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, या इसे हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रोप्रोसेसर डेवलपमेंट, कि माइक्रोप्रोसेसर के क्षेत्र में किस प्रकार प्रारंभ से लेकर और अभी तक डेवलपमेंट्स होते आ रहे हैं। तो माइक्रोप्रोसेसर के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उन्हें हम मुख्य रूप से जेनरेशंस के आधार पर विभक्त कर सकते हैं। वी कैन कैरेक्टराइज द माइक्रोप्रोसेसर अकॉर्डिंग टू द जेनरेशन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, कि साइज के अकॉर्डिंग, साइज जो एक वर्ड आता है, देखिए हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि बसेस होती हैं इसके अंदर, और बसेस में भी तीन प्रकार की बसेस होती हैं हमारे, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। तो साइज जो शब्द आता है वह आता है डेटा बस के संबंध में, और डेटा बस से अभिप्राय क्या होता है कि कोई भी माइक्रोप्रोसेसर एक बार में कितनी नंबर ऑफ बिट को रिकॉग्नाइज कर सकता है या प्रोसेस कर सकता है, वो कहलाता है उसके वर्ड साइज या डेटा बस, तो वो उसकी साइज को निर्धारित करता है। तो फर्स्ट जनरेशन जो हमारी थी वो बिलोंग करती है 4-bit माइक्रोप्रोसेसर्स को, फिर उसके बाद जनरेशन हमारी आई सेकंड जनरेशन जो कि बिलोंग करती है हमारी 8-bit माइक्रोप्रोसेसर्स को, देन उसके बाद हमारी आई थर्ड जनरेशन जो बिलोंग करती है हमारी 16-bit माइक्रोप्रोसेसर्स को, फोर्थ जनरेशन फिर हमारी आई वो बिलोंग करती है 32-bit माइक्रोप्रोसेसर्स को, एंड देन उसके बाद हमारी आई फिफ्थ जनरेशन जो कि बिलोंग करती है हमारी 64-bit माइक्रोप्रोसेसर्स को। तो इस प्रकार से हमने 5 जनरेशन्स में विभक्त किया है हमारा, और ये जो टॉपिक है इस पर आपका एक बड़ा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है, अल्टरनेटिवली आता है हर बार, एक बार इस पर क्वेश्चन आएगा, एक बार आपका मेमोरी पे आ जाएगा, इस प्रकार से मतलब ये आपके हर रिपीटेड ईयर में एक बार इस पर जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और छोटा क्वेश्चन तो उस पर बन ही जाता है, किसी भी पर्टिकुलर जनरेशन के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन उस पर पूछ सकता है। तो इन जनरेशन को हम आज डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में, 4-bit माइक्रोप्रोसेसर। इनिशियली जो हमारा जो कंपनी जो थी, बेल लेबोरेटरीज हैं, उन्होंने रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था, इंटेल कॉरपोरेशन कंपनी है उसका है बेल लेबोरेटरीज, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर प्रोसेस चलता आ रहा था, उसी प्रोसेस के अंदर ये माइक्रोप्रोसेसर की डिजाइनिंग आई इंटेल के द्वारा सबसे सर्वप्रथम। और भी कंपनीज के आते हैं माइक्रोप्रोसेसर, मोटोरोला के आते हैं, और भी काफ़ी कंपनीज के आते हैं, जापानीज कंपनीज के आते हैं, हम इंटेल के कॉरस्पॉन्डिंग इसको अपन आगे डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहला जो फर्स्ट जनरेशन का माइक्रोप्रोसेसर था वो 1971-72 के अंदर इंटेल के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जो कि एक 4-bit माइक्रोप्रोसेसर था, इसका जो नाम था वो था इंटेल 4004, एक जापानीज कंपनी ने रिक्वायरमेंट दी थी डिज़ाइन करने के लिए, तो ये परफॉर्म विभिन्न ऑपरेशंस करने के लिए बनाया गया था। इससे पहले जो बनाए गए थे, सर्वप्रथम डिजिटल सर्किट्स के संदर्भ में बात करें तो कैलकुलेटर बनाया गया था पहले, कि आपके जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसको करने के लिए डिज़ाइन किया था बेल लेबोरेटरीज ने, और फिर जापानीज कंपनी के द्वारा जब उसको टास्क दिया गया तो ये इंटेल 4004 एक 4-bit का माइक्रोप्रोसेसर डिज़ाइन किया गया। इट वॉज अ प्रोसेसर ऑन अ सिंगल चिप, इट कुड परफॉर्म सिंपल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन सब्ट्रैक्शन बुलियन और एंड बुलियर एंड। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से हो गए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गए, और लॉजिकल ऑपरेशन कौन कौन से, और एंड ऑपरेशन होते हैं जो डिजिटल में अपन पढ़ते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन और एंड नैंड नॉर एक्सॉर, तो उनमें से जो दो हैं अपने और एंड, ये ऑपरेशन जो हैं ये अपना 4-bit का माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म करता था, और 4-bit मतलब इसकी जो डेटा बस थी वो 4-bit की थी।
इट हैड अ कंट्रोल यूनिट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कंट्रोल फंक्शंस लाइक फेचिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टोरेज मेमोरी, डिकोडिंग इट एंड देन जनरेटिंग कंट्रोल पल्सेस टू एग्जीक्यूट इट। इस प्रोसेसर की क्या क्वालिटी थी कि ये क्या कर पाता था, कंट्रोल फंक्शंस क्या क्या थे इसके पास में। पहला काम तो ये करता था फैच करना, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को आप उसके अंदर जो देंगे उसको फैच आउट करेगा, उसके बाद उस इंस्ट्रक्शंस को ये डिकोड करेगा और फिर कंट्रोल पल्सेस जनरेट करके उसको पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये फर्स्ट जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर हमारा था। उसके बाद हमारी आई सेकेंड जनरेशन जो कि हमारी थी 8-bit माइक्रो प्रोसेसर्स की। 8-bit के जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उसका जो नाम था 8008 या 8085, ये सब जो हैं ये 8-bit माइक्रो प्रोसेसर्स की कैटेगरी में आते हैं। द सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 अगेन बाय इंटेल, इंटेल ने ही 1973 में, 71-72 में तो हमारा 4-bit का था, उसके बाद हमारा 8-bit का माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वॉज अ फर्स्ट 8-bit माइक्रो प्रोसेसर विच कुड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन 8-bit वर्ड। 8-bit साइज वर्ड पे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर सकते थे। इट वॉज इंटेल 8008 एंड द अदर इम्प्रूव वर्जन वॉज इंटेल 8088, 8085, 8086, 8088, ये इसके इम्प्रूव वर्जन थे। उसके बाद हमारा आया थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो आए वो आए 16-bit के माइक्रो प्रोसेसर्स। इसमें जो डेटा साइज थी हमारी वो 16-bit की थी। इंट्रोड्यूस इन द 1978 और इनको जो प्रोड्यूस किया गया था इंटेल के द्वारा जो था वो 8086 था और जिलो कंपनी के द्वारा Z800 था एंड 80286 इंटेल के द्वारा। ये माइक्रो प्रोसेसर्स जो थे थर्ड जनरेशन कैटेगरी में थे, 16-bit प्रोसेसर्स थे विद परफॉर्मिंग लाइक माइक्रो कंप्यूटर्स। ये इसमें खास बात आ गई इसके अंदर कि 16-bit में थे तो ये आपके अदर जो माइक्रो कंप्यूटर्स के जो मिनी कंप्यूटर्स के जो अपने ऑप्शंस संभव थे उनको भी ये परफॉर्म कर सकते थे। उसके बाद हमारी फोर्थ जनरेशन जो आई वो आई हमारी 32-bit माइक्रो प्रोसेसर्स की, जिसके के अंदर हमारी डेटा बस की साइज या वर्ड साइज जो थी वो 32-bit थी। विभिन्न कंपनियां, डिफरेंट कंपनीज जो थी, मोटोरोला थी, इंटेल थी, जेलॉग थी, इन कंपनीज के द्वारा इनको प्रोड्यूस किया गया था। जो मोस्ट पॉपुलर जो था वो इंटेल का था 80386, थ्री जो आता वर्ड वो 32-bit की कैटेगरी में आता है, 386 वाज अ 32-bit माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद हमारे जो आए वो आए फिफ्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर जो कि थे हमारे 64-bit और ये हमारे 1995 से लेकर अब तक ये आगे से आगे करेक्टराइज होते जा रहे हैं। 1995 में आना स्टार्ट हो गए थे 64-bit के और टिल डेट ये आगे से आगे आपके जनरेट हो पा रहे हैं। पहले जो थे 80856 आए थे इसके अंदर, फिर पेंटियम प्रो प्रोसेसर डिज़ाइन किया गया था, CPU यानी सिंगल सिस्टम इसमें डिज़ाइन कर दिया गया था, मल्टीपल CPUs को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स को एक ही सिंगल चिप पे डिज़ाइन करके एक तरीके से ये माइक्रो कंप्यूटर्स को ये स्टेब्लिश इसके अंदर कर पा रहे थे और मल्टीपल प्रोसेसिंग इससे परफॉर्म हो पा रही थी। उसमें फिर इम्प्रूव वर्जन जो आया वो सेलेरॉन आया, डुअल कोर आया, क्वाड्रा कोर आया, ऑक्टा कोर आया और फिर फर्दर आज की डेट में आप इसमें इम्प्रूवमेंट देखते जा रहे हैं आगे से आगे। तो ये जो प्रोसेसर्स जो हैं इनकी इस प्रकार से जनरेशन जो है अप टू नाउ 4-bit से लेकर 64-bit तक के ये प्रोसेसर्स डिज़ाइन किए गए हैं। टेबुलर फॉर्म में इसको समझने का मन प्रयास करें तो इंटेल के जो इम्पोर्टेंट जो अपने प्रोसेसर्स जो थे जो टाइम टू टाइम डेवलप किए गए उनको हम यहाँ पे टेबल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 1971 में 4004 आया था इसके अंदर, देन 1976 के अंदर 8085 आया, 1978 के अंदर 8086 आया, 1982 के अंदर 80286 आया, 1985 में फिर 80386 आया, देन 1989 के अंदर 80486 आया, देन पेंटियम जो हमारा आया कंप्यूटर वो आया 1993 के अंदर। इस पोर्शन में हम और बाकी फैक्टर्स को समझने का प्रयास करें तो वर्ड लेंथ है यहाँ पर, पहले पहला वाला जो था वो 4-bit का था,
देन 8085 वाज ऑफ 8 बिट, देन 8086 से हमारे 8086 और 80286 जो हमारा था वो 16 बिट के थे, फिर 80386 और 80486 जो थे वो 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर्स थे, एंड पेंटियम जो हमारा आया वो 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। एड्रेस बस की साइज़ के अकॉर्डिंग इनकी मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज आती है। एक एड्रेस बस की साइज़ यहाँ पे अपन ने नहीं डिफाइन करी है, पर एड्रेस बस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आता है जो कि हमारी मेमोरी को डिफाइन करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी को शो कर सकता है। जैसे कि अपन बात करें अगर 4004 की, तो ये 10 बिट की एड्रेस बस यहाँ पे होती थी, और बाय दिस 10 बिट ऑफ एड्रेस बस ये 1 किलोबाइट की मेमोरी को एड्रेस करने की कैपेसिटी रखता था। उसके बाद बात आती है इसके अंदर 8008 आया था बीच के अंदर, 1972 के अंदर अपन ने भी डिस्कस किया था पहले, वहाँ जो कैपेसिटी थी वो 14 बिट की एड्रेस बस थी और उसके द्वारा एड्रेसेबल जो मेमोरी हमारी आ पा रही थी वो 16 किलोबाइट तक आ रही थी। उसके बाद हम जब आगे आए 8080 के अंदर, 1974 के अंदर जो अपन ने पहले डिस्कस किया था, वहाँ पे अपनी जो एड्रेस बस थी वो 16 बिट की हुई थी, वहाँ से अपन 64 किलोबाइट की मेमोरी को एड्रेस कर पा रहे थे। देन 8085 जो यहाँ डिफाइन कर रखा है 1976 के अंदर, वहाँ पे भी अपनी जो मेमोरी जो एड्रेस बस की साइज़ थी वो 16 बिट की थी और उससे हम 64K तक की मेमोरी को डिफाइन कर पा रहे थे। देन फिर हमारा आया 64 किलोबाइट आ गई। देन 8086 आया 1978 के अंदर, यहाँ पर हमारी जो बस की साइज़ हो गई वो 20 बिट की हो गई है, जो 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हमारे जो 8086 हैं उसमें जो साइज़ हो गई है हमारी एड्रेस बस की वो 20 बिट की हो गई है। और फ्रॉम दैट 20 बिट हम यहाँ पर 1 मेगाबाइट तक की मेमोरी को डिफाइन कर पा रहे हैं। तो एड्रेस बस इसका कॉम्बिनेशन आता ला रहा है, 80286 जो था उसके अंदर 24 बिट की मेमोरी थी तो 64 मेगाबाइट को हम एड्रेस कर पा रहे थे, 80386 यहाँ पर हमारा है 32 बिट की एड्रेस बस है, इसको हम 4 गीगाबाइट तक की मेमोरी को उसमें डिफाइन कर पा रहे हैं। देन उसके बाद में हमारी 80486 यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है, तो 80486 के अंदर जो हमारी एड्रेस बस की साइज़ हो गई वो 32 बिट की है, वो भी हमारी 64 हमारे यहाँ पर 4 गीगाबाइट को डिफाइन कर पा रहा है। सिमिलरली हमारा पेंटियम जो है उसमें भी हमारी जो साइज़ है वो 32 बिट की है, जिससे कि हम उसको 4 गीगाबाइट की मेमोरी को डिफाइन कर पा रहे हैं। तो ये पैरामीटर हो गए, ये पिंस की वैल्यू है कि कितनी नंबर ऑफ पिंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो 16 पिन थी पहले, फिर 40 बिट की आई दो, फिर 80286 68 पिंस की आईसी थी हमारी इंटीग्रेट सर्किट, 80386 वाज 132 बिट्स का था, 80486 168 पिंस का हो गया, और पेंटियम जो प्रोसेसर आया 1993 के अंदर वो 237 पिंस का है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर हमारा आता है वो आता है क्लॉक स्पीड का। क्लॉक स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि किस स्पीड से ये कार्य कर पा रहा है। तो पहले जो 4004 था वो किलोहर्ट्ज़ की स्पीड पे हमारा काम कर रहा है, देन फिर 8085 में हम आए तो हम आ गए मेगाहर्ट्ज़ के अंदर, स्पीड हमारी 3-6 मेगाहर्ट्ज़ आ गई यहाँ पर, फिर 8086 में 5-8 मेगाहर्ट्ज़ आ गई है, 80286 में 6-12.5 मेगाहर्ट्ज़ पे पहुँच गए हम, देन 20-33 मेगाहर्ट्ज़ पे आ गए, 80486 में हम 25-100 मेगाहर्ट्ज़ में आ गए, और पेंटियम के अंदर हम 60-200 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड पे आ जाते हैं। ये स्पीड उस तरह के बुक के अंदर आपकी अलग अलग वेरिएबल है, जैसे जो माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर की बुक आती है रमेश गांवकर, उसमें इनकी वैल्यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आएगा, मैं बोल देता हूँ वैल्यूज़ को ताकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहे। जैसे इनिशियल क्लॉक स्पीड जो 4004 की डिफाइन कर रखी है वहाँ पर वो 108 किलोहर्ट्ज़ है, देन 8008 के अंदर वो 200 किलोहर्ट्ज़ की है, देन 80808 के अंदर 200 मेगाहर्ट्ज़ है, 8085 में 500 मेगाहर्ट्ज़ है, देन 8086 के अंदर 5 मेगाहर्ट्ज़, 8088 के अंदर भी 5 मेगाहर्ट्ज़, देन 80286 के अंदर इट इज़ ऑफ 8 मेगाहर्ट्ज़, देन 80386 के अंदर 16 मेगाहर्ट्ज़, 80486 के अंदर 25 मेगाहर्ट्ज़, देन पेंटियम के अंदर हमारी स्पीड आ गई 60 मेगाहर्ट्ज़। तो इनिशियल स्पीड जो इनकी है वो जनरलाइज फॉर्म में इस फॉर्म में बुक के अंदर दे रखी है और ये रेंज के अंदर डिफाइन कर रखा है इनको।
देन रिमार्क्स की बात करें तो हमें पता है कि 4004 जो हमारा है वो फर्स्ट जनरेशन का है, देन 8085 जो है वो सबसे पॉपुलर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो आपसे अगर कोई पूछता है क्वेश्चन के अंदर, स्मॉल क्वेश्चन एक नंबर का आ जाता है कई बार कि विच इज़ द पॉपुलर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, तो वो कौन सा आ गया हमारा, 8085 आ गया। 8086 है जो वो वाइडली यूज़ किया गया है पी सी एक्स टी के अंदर। देन 8026 जो है मोस्टली यूटिलाइज किया गया है एज ए पी सी ए टी के अंदर। देन इसमें इम्पॉर्टेंट बात आती है 80386 के लिए, ये अपना कंटेन करता है एम एम यू ऑन चिप। देन 80486 जो आता है वो आता है एम एम यू कैश एंड एफ पी यू 1.2 मिलियन ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स की संख्या देखिए यहाँ पे 1.2 मिलियन ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो सब वही बात है कि आपका इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो स्मॉल स्केल, फिर लार्ज स्केल, फिर एक्स्ट्रा लार्ज स्केल, वेरी वेरी लार्ज स्केल। तो इस तरीके से हमारा जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गए। ट्रांजिस्टर्स के नंबर भी अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो 4004 में थे वो थे 2300 ट्रांजिस्टर्स ऑन ए सिंगल चिप। देन 8008 के अंदर ट्रांजिस्टर्स की कैपेसिटी नंबर हो गया 3500। देन 808 के अंदर हो गया 6000। देन हम 8085 में आ गए 6500 के अंदर। देन 8086 में हम आ गए 29000 के अंदर। 8088 के अंदर हम भी 29000 ट्रांजिस्टर्स ऑन ए सिंगल चिप। देन 80286 के अंदर जो थे वो थे 1,34,000 ट्रांजिस्टर्स। 80386 में थे 2,75,000 ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल चिप। और पेंटियम की हम बात 80846 में आ गए आपके 1.2 मिलियन, यहाँ पे ये वर्ड अपन 8046 में आ गया 1.2 मिलियन ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल चिप। और पेंटियम के अंदर आ गए 3.1 मिलियन ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल चिप। और पेंटियम में आगे से आगे बढ़ते गए तो 7.5 मिलियन तक यहाँ पर ये आपको ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल चिप पेंटियम पे दिखा रखा है। और टू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स थी इसमें, टू कैशेज थी, कैशेज एफ पी यू थे, 3.3 मिलियन ट्रांजिस्टर्स थे और 3.3 मिलियन वोल्ट पावर और 7.5 मिलियन ट्रांजिस्टर्स अनादर। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि इतने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो फैब्रिकेशन की कितनी बढ़िया क्वालिटी आगे से आगे बढ़ती गई, इससे कि ये साइज़ बढ़ती जा रही है। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती है। एक महत्वपूर्ण बात और याद रखने की बात इसके अंदर है डेटा बस के अंदर, कि डेटा बस जो हमारी 8088 आया था बीच के अंदर, उसकी इंटरनल तो थी 8 बिट और एक्सटर्नल थी 16 बिट। तो एक्सटर्नली जो 8088 था वो 16 बिट था, बट इंटरनली जो प्रोसेसिंग वो करता था डेटा की वो 8 बिट करता था। तो 8086 के अंदर 8088 जो यहाँ था, यहाँ डिफाइन नहीं कर रखा अपन ने, आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि 8088 के केस के अंदर जो डेटा बेस जो थी वो इंटरनली 8 बिट की थी, बट एक्सटर्नली वो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर वर्ड लेंथ कहा जा सकता है। पेरिफेरल डिवाइसेज या इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेज होती हैं वो हमारी 16 बिट थी। कैश एक वर्ड यहाँ पर आया, कैश जो है एक सेपरेट मेमोरी है फॉर डूइंग वेरियस प्रोसेसेस। इंटरनल एक प्रोसेस की एक ये मेमोरी हुआ करती थी, कैश मेमोरी का जो टर्मिनोलॉजी थी वो यहाँ 80486 से प्रारंभ हो गई। फर्दर क्लासिफिकेशन अपन देखें, पेंटियम प्रो आया, फिर पेंटियम सेकेंड आया। पेंटियम प्रो हमारा 1995 के अंदर आया है, फिर पेंटियम सेकेंड 1997 आया है, फिर पेंटियम थ्री 1999 में आ गया हमारा, फिर P4 जो कंप्यूटर्स सुना करते थे पेंटियम 4 कंप्यूटर्स वो 2000 में आए। देन इटेनियम आया 2001 में, फिर कोर टू ड्यूअर, ड्यूअर कोर, आगे से आगे टेक्नोलॉजीज आती गई। प्रोसेसर्स की बात करें तो पेंटियम प्रो वाज 32 बिट, पेंटियम सेकेंड भी 32 बिट का था। फिर फर्दर अपने इनके अंदर 32 बिट एंड 64 बिट दोनों प्रोसेसर्स आने लगे बाद में। फिर उसके बाद में P4 आया अपना, ये 32 बिट आया, उसके बाद 64 बिट का भी आया। ये ध्यान में रखिएगा आप, ये जो प्रोसेसर्स हैं पेंटियम 4 के बाद में, पेंटियम के बाद में जो प्रोसेसर्स आए हैं हमारे वो 32 बिट के अंदर भी आए हैं डेटा बस के अंदर, और 64 बिट के अंदर भी अपने को अवेलेबल हुए हैं। और उसके बाद में फिर अपने जो पेंटियम 4, इटेनियम जितने भी प्रोसेसर आए हैं ये 64 बिट के आए हैं सारे के सारे। ये एड्रेस बस या 32 भी दिखा रखी है, ये 32 बिट और सेकेंड वेरिएंट इनका 64 बिट के अंदर भी अवेलेबल हुआ है। और इनकी जो एड्रेस बस की जो साइजेस थी वो 36 बिट की थी, और चूंकि 36 बिट के थे ये, तो ये 64 गीगाबाइट की मेमोरी को एड्रेस कर सकते थे एक साथ एक बार के अंदर। और इनके केस में जो इनकी जो क्लॉक स्पीड जो इनिशियली थी पेंटियम प्रो से लेकर
वो पेंटियम प्रो से लेकर 150 मेगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट होकर और फर्दर आगे फिर ये गीगाहर्ट्ज़ में अपने 1.4 गीगाहर्ट्ज़, 1.3 गीगाहर्ट्ज़ और आगे के प्रोसेसर्स के अंदर ये आगे से आगे अपनी इंक्रीज होती गई है। अपन पढ़ते आ रहे हैं P4 में कोर 2 डुअल कोर अपन सुनते आ रहे हैं, i3 देन जो फिर आगे अपने i5 सुनते हैं, फिर i7 सुनते आ रहे हैं, ये फिर इसके अंदर भी जनरेशंस आ गई आ गए। अपन फर्दर अप प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इनमें फिर आगे से आगे इस प्रकार से क्लासिफिकेशन होता आ रहा है। तो ये जो जनरलाइज क्लासिफिकेशन था एक हिस्टोरिकल इवेल्यूशन है माइक्रोप्रोसेसर्स का। आगे जो फर्दर जो उसमें डेवलपमेंट हुए हैं वो उसमें नहीं डिफाइन कर रखे हैं, बट हम डे टू डे लाइफ में उनको पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से माइक्रोप्रोसेसर्स की जनरेशन आई है। उसके अलावा रिमार्क्स की बात करें कि तो पेंटियम प्रो इट इज़ ए डेटा फ्लो प्रोसेसर, इट कंटेन्स सेकेंड लेवल कैश ऑल्सो। सेकेंड लेवल कैश भी इसमें अवेलेबल थी फर्स्ट कैश के अलावा, उसके अलावा भी अतिरिक्त कैश अवेलेबल थी इसके अंदर। ऑल फीचर्स पेंटियम प्रो प्लस MMX टेक्नोलॉजी, 3.3 वोल्ट, 7.5 बिलियन ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स के नंबर भी आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, 7.5 बिलियन हो गए। अपन अगर बात करते हैं P4 तक के अंदर, तो P4 में जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स की वैल्यू आ गई वो 42 मिलियन तक नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन ए सिंगल चिप अवेलेबल हो गए हमारे पास में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता गया है। इस केस में अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं भी ध्यान है, तो एक लॉ था, गॉर्डन मूर एक जो साइंटिस्ट थे जो को फाउंडर थे इंटेल के, उन्होंने एक मूर्स लॉ दिया था। उस मूर्स लॉ के अंदर क्या था कि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप इंटीग्रेटेड सर्किट में जो कंपोनेंट्स थे, ट्रांजिस्टर्स जो थे नंबर ऑफ, वो हर 18 मंथ में उनको डबल करने थे। ये मूर्स लॉ दिया गया था और इसी के अंदर एडवांसमेंट करते हुए 25 ईयर्स के अंदर जो 4004 में जो माइक्रोप्रोसेसर था उसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट थे वो बढ़ते हुए हमारे अप टू 15 मिलियन ट्रांजिस्टर्स तक पहुंच गए थे। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट जो था वो आगे फर्दर होता आया गया है। प्रोसेसर्स मैंने आपको बताए हैं, ज़िलॉग के भी आए हैं, मोटोरोला के आए हैं, तो अलग अलग कंपनी के माइक्रोप्रोसेसर्स हर कंट्री में अवेलेबल होते रहे हैं। ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, ये टेबल्स आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, ये मैंने आपको यहाँ भी दे दी है। उसके अलावा अगर आप बुक कंसल्ट करना चाहते हैं तो गांवकर आती है, रमेश गांवकर करके बुक आती है माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर की, उसमें भी काफ़ी अच्छा दिया गया है ये, उसमें भी आप टेबल को कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर काम में आई हैं हमारे, जैसे PGA वर्ड जो आप काम आया गया है वो है पिन ग्रिड अरे, ये वर्ड आप ध्यान में रखिएगा। देन MMX वर्ड अपन ने पढ़ा, मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस वर्ड इसका मतलब होता है, ये वर्ड्स के ऊपर शॉर्ट टर्म क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर EPIC एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, ये प्रोसेस यहाँ पे संभव था कि पैरेलल इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूट किया जा सकता है। देन SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल, एक इंस्ट्रक्शन में मल्टीपल डेटा प्रोसेस हो सकता है। ALU वर्ड अपन सुनते ही आ रहे हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है। देन MMU जो हमारा होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है हमारा। और एक वर्ड जो हमारा यहाँ पे आया था FPU, दैट इज़ योर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। तो इस प्रकार से ये अपन ने आज डिस्कस किया है वेरियस इवोल्यूशंस का, तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू।